एस न्यूज लाइव पर देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। सुशांत सिंह आत्महत्या प्रकरण की जांच कौन करेगा, न्यायालय के आदेश के बाद होगा फैसला। गृह मंत्री अनिल देशमुख कल गोंदिया उपस्थित थे, इस दौरान उन्हें सुशांत प्रकरण से जुड़े कुछ सवाल पूछे गए, जिस पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं, सभी की प्रतिक्रियाएं सर्वोच्च न्यायालय की तरफ दी गई है। न्यायालय का फैसला सप्ताह भर में आ जाएगा, जिसके बाद सुशांत केस की जांच कौन करेगा इसका फैसला होगा। महाराष्ट्र शासन, महाराष्ट्र पुलिस ये सक्षम है। महाराष्ट्र पुलिस की तुलना स्कॉटलैंड यार्ड के पुलिस होते, इतकी पुलिस यंत्रणा महाराष्ट्राची असल्यानंतर ही जबाबदारी सीबीआयला देण्यासाठी राज्य शासनाचा आमचा विरोध आहे। कारण की महाराष्ट्रामध्ये चांगल्या पद्धतीने महाराष्ट्र पोलीस अतिशय चांगल्या पद्धतीने प्रोफेशनली या सर्व सुशांत सिंगच्या केसचा तपास करते, पण आता ही सध्या ही केस सुप्रीम कोर्टात आहे आणि सुप्रीम कोर्टचा काय निर्णय येतो त्याच्यावर पुढच्या सर्व गोष्टी अवलंबून राहतात। वही सोलापुर जिले के अकलून यहां 100 बेड की व्यवस्था का कोविड हॉस्पिटल का उद्घाटन कल पालक मंत्री भरने इनके हाथों किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पवार परिवार में किसी ने कितनी भी दरार डालने की कोशिश करे उसे विफलता ही हासिल होगी। पवार साहब नेता है, पक्ष के हर एक को मार्गदर्शन करने का अधिकार उन्हें है। उनके परिवार में किसी भी तरह की नाराजगी या मतभेद न होने का सोलापुर के पालक मंत्री दत्तात्रेय भरने ने बताया है। ठसा उमटले, त्यामुळे कोणी त्यांच्यामध्ये भांडण लावण्याचा प्रयत्न कृपा करून करू नये। आणि आमच्या सुप्रियाताई पण त्या बाबतीत खूप त्यांचं काम, मीडिया वगैरे भांडण नाही, कुणी लावू नये, मीडिया नाही, इतरांनी कुणी लावू नये। कसं असतं, काय मंडळी असतात, काय असतं, कुणाला जेलशी असती, कुणाला काहीतरी असतं, त्यातला तो प्रकार असतो। पण पवार मंडळी खूप घट्ट आहेत। शेवटी कसं आहे, पवारसाहेब हे नेते आहेत, त्यामुळे ते अधिकार वगैरे ते असं, ते तुम्ही अर्थ कदाचित तुम्ही ज्यादा वेगळा अर्थ लावला असेल, साहेबांना वेगळं म्हणायचं असेल, तुम्ही वेगळा अर्थ लावला असेल, हेच बहुतेक झालं असेल। ठीक आहे। तो वही तीसरी ओर कोरोना मुक्त हो चुके नागरिकों द्वारा प्लाज्मा दान करने योग्य व्यक्तियों द्वारा कोरोना संकट से घिरे मरीजों की मदद के लिए आगे आने का आह्वान राज्य के पानी पुरवठा और स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटिल ने किया। भारतीय स्वतंत्रता वर्धापन दिन के उपलक्ष में मुख्य शासकीय ध्वजारोहण जिलाधिकारी कार्यालय के आगे ध्वजारोहण पश्चात अपने संभाषण द्वारा जनता से वे अपील कर रहे थे। आज 73वां वर्धापन दिनानिमित्त ध्वजारोहण सोहळ्यासाठी उपस्थित आदरणीय स्वातंत्र्य सैनिक, ज्येष्ठ नागरिक, लोकप्रतिनिधी, अधिकारी, कर्मचारी, पत्रकार, नागरिक बंधू भगिनींना मी आपल्याला आजच्या या भारतीय स्वातंत्र्य दिनाच्या मनपूर्वक शुभेच्छा देतो। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुले बुलबुले है इसकी ये गुलिस्ता हमारा, असे आपल्या भारताचं सार्थ वर्णन केले जाते ते खरंच आहे। मात्र गेल्या मार्च महिन्यामध्ये कोरोना या विषाणूच्या महामारीनं आपण सर्वच देशवासियांना वेठीस धरले आहे। डोळ्यांनाही न दिसणारा या विषाणूचा सामना करण्यासाठी आपली सर्व यंत्रणा दिवस रात्र राबत आहे। आपला जळगाव जिल्हा ही कोरोनाच्या विकातून सुटलेला नाही, मात्र आपल्या आरोग्य यंत्रणेचा आणि जिल्हा प्रशासनाचा याच्यावर नियंत्रण ठेवला आहे। त्याच्यावरच नियंत्रण ठेवून भागणार नाही, तर त्याला संपूर्णपणे आटोक्यात आणण्याचं आवश्यक आहे। त्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि जिल्हा प्रशासनाच्या पाठीशी राज्य शासन भक्कमपणे उभे आहे। कोरोना विषाणूचे आतापर्यंत 16,000 पेक्षा अधिक रुग्ण असले तरी आपल्या जिल्ह्यातून कालपर्यंत 11,000 पेक्षा अधिक रुग्ण विषाणूमुक्त होऊन जीवन जगत आहे। ही जळगाव जिल्ह्यासाठी दिलासामयक बाब आहे। या कोरोनामुक्त झालेल्या प्लाझ्मा देण्यासाठी पात्र असलेल्या नागरिकांना माझे आवाहन आहे की त्यांनी प्लाझ्मा दान करून कोरोनाच्या विषाणूमुळे संकटात सापडलेल्या आपल्या रुग्णांना मदत करावी। कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखणे आणि कोरोनाच्या विषाणूच्या रुग्णावर औषधोपचारासाठी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, जिल्हा सामान्य रुग्णालय, जिल्हा परिषदेचे आरोग्य, खासगी रुग्णालय, इंडियन मेडिकल असोसिएशन, डॉक्टरांसह हजारो कोरोना योद्धे अहोरात्र परिश्रम घेत आहेत, त्यांचे कौतुक करावे तेवढे कमीच आहे। आरोग्य विभागाच्या खांद्याला खांदा लावून जिल्हा परिषद प्रशासन, पोलीस प्रशासन, महापालिका, नगरपालिका प्रशासन, जिल्हा प्रशासन कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लढत आहे।
हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार। हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।